કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આજના આ કથા કાર્યક્રમમાં અહીંયા ઉપસ્થિત અફસર્વેનો માન્ય શ્રી વિભાવરીબેન જીતુભાઈ મેયર શ્રી બાહુભાઈ ચિમનભાઈ રામચંદ્રદાસજી અનિભાઈ કાકા જીતુભાઈ અફસર્વેનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરી અને આ કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ मान्य राजेंद्र सिंह जी ने विनती करी के अपना आज मुख्य अतिथि परिचय नो स्वागत कल्याण फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में आज के क्रांति कथा के आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ अंग्रेजों के दीर्घ काल के शासन के दरमियान हिंदुस्तान में स्वातंत्र की लड़ाई सदा सर्वदा चलती रही थी ये जो संग्राम था वो स्वातंत्र का संग्राम था स्वातंत्र के संग्राम में हुतात्माओं ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने पिंड के अनुसार स्वाधीनता के मार्ग चुने थे प्रमुखतया दो मार्ग आजादी की लड़ाई के लिए प्रचलित थे एक गांधी जी का मार्ग था और दूसरा जो मार्ग था वो क्रांतिकारियों का मार्ग था स्वाधीनता संग्राम को एक कॉइन समझे सिक्का तो हर सिक्के की दो पहलू रहती ही है इसमें कोई बड़ा कोई छोटा कोई कम महत्व का कोई ज्यादा महत्व का नहीं है और दोनों को मिला के ही कॉइन बनता है चाहे बॉम्ब और पिस्तौल का समर्थन करने वाले लोग चाहे अहिंसा का प्रयातना, प्रयास करने वाले लोग अंततोगत्वा सबका ध्येय भारत की स्वतंत्रता ही था आज इस क्रांति कथा को हम सुनने बैठे हैं यहां विषय ज्यादा चर्चा न हुई हो ऐसा विषय है और चर्चा होती भी है तो दबे स्वर में चर्चा होती है इस विषय की कारण जो भी रहा हो लेकिन आज इस विषय को हमारे सामने जो रखने जा रहे हैं वो डॉक्टर हरिंद्र श्रीवास्तव जी है आप मनोविज्ञान और अंग्रेजी में एमए तक की आपकी पढ़ाई है और समग्र विश्व में पहला व्यक्ति यह है फिर से बोलता हूँ समग्र विश्व में पहला व्यक्ति यह है जिन्होंने विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर ये विषय को उनके काव्य के विषय को उनके जीवन और कवन के विषय को लेके महानिबंध इन्होंने लिखा है दुनिया के जिस भी देश में जिस भी स्थान पे देश में विदेश में जहां भी सावरकर जी गए हैं रहे हैं काम किया है सब स्थानों का सब स्थानों का प्रवास किया है और वहां से जो कुछ भी माहिती प्राप्त है सावरकर जी के बारे में वो उन्होंने अपने महानिबंध में लिखी है सावरकर जी पर फ्रांस अमेरिका ऐसे विदेश विदेश के विद्यार्थियों को भी गाइड के रूप में सावरकर के विषय पे पीएचडी करने में उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया है कई पुस्तकें भी लिखी है वैसे क्रांति कथा के बारे में और क्रांतिकारी प्रवृत्ति जीवन कवन से जुड़े रहते हुए भी फिल्म जगत से भी काफ़ी नजदीक से जुड़े रहे हैं हिंदी पिक्चर के गीत जो है उनके पर भी उनका अपना संशोधन है और इनके आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखे हैं कुल मिला के कहा जाए तो एक अधिकृत वक्ता के माध्यम से एक अधिकृत विषय पे आज हमको सुनने मिलने जा रहा है अधिकृत वक्ता है मेरी उनसे पहचान करीब 25 साल पहले की है क्योंकि सावरकर जी के बारे में जब कभी चर्चा होती है और जिसको भी चर्चा करनी है सरदार सिंह जी राणा के बगैर वो चर्चा अधूरी ही रहेगी और इस विषय में वो ढूंढते-ढूंढते यहाँ भावनगर आए थे हम लोग काफ़ी समय तक साथ में बैठे थे बाद में तो मेरा दिल्ली जाना हुआ और 18 साल वहाँ रहा तो बिल्कुल कौटुंबिक संबंध प्रस्थापित पारिवारिक संबंध भी प्रस्थापित हो गए थे आज भी है और उनसे जब मैंने पूछा कि आप जब भावनगर आ रहे हैं तो एक आपका वक्तव्य रखना है तो उन्होंने कहा कि दो महापुरुषों के बारे में मैं बोलूंगा और वो भी सौराष्ट्र से संबंधित है ऐसे दो लोगों के बारे में बोलूंगा मैंने सरदार सिंह जी राणा का उल्लेख किया दूसरे जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है अपने कच्छ के मांडवी में रहे और दोनों ने हिंदुस्तान की लड़ाई यूरोप की देशों की धरती पर रह के लड़ी काफी कुछ कमाया उस जमाने के वो सब लोग मिल्योनरस थे मिलियोनर्स उस समय उस समय के जो कुछ भी कमाया वो डाल दिया हिंदुस्तान की स्वतंत्र संग्राम की प्रवृत्ति में डाल दिया आज का जो विषय है पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा का अपनी आजादी की लड़ाई में योगदान ये विषय है बीच में एक जो चित्र लगा है वो है अपने देश का सबसे पहला राष्ट्रध्वज ध्वज 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी शहर में समाजवादियों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस मिली थी उसमें हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व दो लोगों ने किया था सरदार सिंह जी राणा और मैडम कामा भिखाई जी कामा ये दोनों ने किया किया था और वहाँ उनसे पूछा गया कि विच कंट्री यू आर रिप्रेजेंटिंग तो जवाब मिला हिंदुस्तान से हम आते हैं और कहा आपका ध्वज उस समय तो ध्वज था नहीं रात में बैठ के मैडम कामा पारसी लेडी थी उनके रेशमी वस्त्र थे उनमें से तीन कलर ये दोनों ने बैठ के तय किए हाथ से सिया हुआ ये ध्वज है ऊपर आठ कमल है उस समय हिंदुस्तान आठ प्रोविंसेस में राज्यों में बटा था नीचे एक चंद्र का चिन्ह है दूसरा सूर्य का चिन्ह है बीच में वंदे मातरम ये आजादी का मंत्र ये बीच में है ये ध्वज राणा जी जब 45 साल बाद जलावतन की सजा भुगतने के बाद देश आजाद हुआ एग्जाइल वॉज एग्जाइल फ्रॉम कंट्री देश निकाल थे तो उन्नीस में जब वापस आए तो अपने साथ ये ध्वज लेके आए थे और हमारे परिवार में ये राष्ट्र की धरोहर है हमारी नहीं है राणा परिवार की कोई ये धरोहर नहीं है ये हमारे देश की धरोहर है और इसको हमने यहाँ आज के ये दोनों की बात करनी है तो ये ध्वज के बगैर शायद ये बात अधूरी रह जाए ये हम मानते थे तो ऐसे एक अधिकृत वक्ता माई एल्डर फ्रेंड एल्डर एंड यंग फ्रेंड राधर आप सुनेंगे तो अपना परिचय वो अपने वक्तव्य में खुद ही देंगे हम सबको भी लगेगा तो हरिंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत कल्याण फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय परेश भाई करे ऐसी में प्रार्थना करता हूँ परेश भाई पुष्पगुच्छ और एक पुस्तक से हरिंद्र जी का स्वागत करेंगे तीसरा काम जो मुझे करना है वो आभार विधि का काम है पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वक्तव्य समाप्त होने के बाद हम सब की इच्छा ये है कि आप अपने मन मस्तिष्क में क्रांति कथा को संजोए हुए ही यहाँ से जाए तो बीच में वक्तव्य समाप्त होने के बाद आभार का जो भार रहता है वो पहले हम ले लेते हैं इस कार्यक्रम में हरिंद्र जी आए अपना वक्तव्य देने वाले हैं लेकिन मुझे पूरी श्रद्धा है कि पूरी क्रांति दुनिया को हमारे सामने ये एक बंदा खड़ी कर देने वाला है इसलिए डॉक्टर हरिंद्र जी का प्रत्यक्ष एकदम हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं परेश भाई की ओर से कल्याण फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अभी पूरा का पूरा स्टेज पूरा का पूरा विषय पूरी की पूरी क्रांति कथा पूरा का पूरा उबाल पूरा का पूरा जोश और पूरा का पूरा ऑडियंस हॉल सब जो है ये मैं डॉक्टर हरिंद्र जी श्रीवास्तव जी को देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ आप विषय प्रस्तुत करें धन्यवाद अगर राजेंद्र भाई राजू भाई कहें तो लगेगा कि उन्होंने कहा कौटुंबिक पारिवारिक संबंध तो परिवार में श्री राजेंद्र सिंह जी राणा नहीं चलता प्यार से छोटा सा नाम लेके एक अपनत्व की भावना जो बुलाने वाले और जिसको बुलाया जा रहा हो उनके बीच जो एक स्नेह का सेतु स्थापित करती है इसलिए राजू भाई ने इतने वाक चातुर्य से सांसद रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी रहे हैं भाई बहुत से सिद्धांतों और नियमों को निभाया राजनीति को भी मगर इस समय गिने चुने शब्दों में आभार का भार अपने पर से लेकर जो मेरे कंधों पर रख दिया और चुपके से गुप्त रूप से लुप्त हो गए मंच से यह भी बड़े अनुभव की बातें होती हैं बहुत उत्सुकता थी और स्वाभाविक था वो वो जो एक कौतूहलता थी मन में अगर यहाँ इन दो महानुभूतियों पर दो समर के दो महान योद्धाओं पर इससे पूर्व कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ ये सूचना मुझे आज मिली तो मन में इतनी शंकाएं शंकाएं नहीं आशंकाएं उत्पन्न हुई आप कैसे जाके उस श्रोताओं को जिनको विशेष इससे पहले इन दो महानुभावों पर जानने का अवसर नहीं मिला है और बाहर ऋतु प्रतिकूल होगी इंद्र देवता ऐसे बहुत से नाटक करते हैं कोई बहुत गंभीर कार्यक्रम होगा उसमें इस तरह के दृश्य उपस्थित करते हैं उनके पास ऋतु है ना इसीलिए भारत में या अकाल पड़ता है विशेषकर गुजरात में या बाढ़ आती है या भूकंप आता है या लहू में नहाता है पूरा राष्ट्र सौराष्ट्र और कहा अहमदाबाद तक ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएँ चुनौतियाँ बाधाएँ आती हैं ये इन सबसे किसी भी राज्य के लोगों का धैर्य साहस संयम और चुनौती स्वीकार करने का बल इसकी परीक्षा भी होती है लेकिन ये गुजरात भी विचित्र है सचमुच अद्भुत है अपनी तरह का जैसे बार बार कहता हो गजनी आया है हैदे से लूट ले मुझे और देख सौ साल बाद दो सौ साल बाद मेरा मंदिर कैसा खड़ा होता है ये शिव का मंदिर है कितना खजाना ले जाएगा नौ सौ 18 अठारह पर केवल सोमनाथ का स्वर्ण द्वार खंड खंड करके एक अकेला द्वार था आज देखिए मंदिर को पहले गुजरात आते ही पूछता है द्वारका और सोमनाथ देखना है द्वारका जिसको इसी प्रकृति ने पुरुषों के और की परीक्षा के लिए सागर में तिरोहित हो गई आज फिर से क्या निकल के आई है सोमनाथ खंड खंड हो गया छिन्न भिन्न हो गया नया सोमनाथ क्या निकल के आया है भुज को भूकंप निकल गया दरारे नहीं दीवारें नहीं पूरे के पूरी इमारतें धस गईं। वंदे मातरम गाते हुए तीन या चार एक माँ की कोक से जन्मे बालक सफेद कुर्ते पजाने में गा रहे थे जमीन धस गई पांचों बालक धरती में समा गए वंदे मातरम नहीं छोड़ा फिर एक भूकंप आया हमने सुना है भूकंप से पहले यहां उसने अपनी पहली चेतावनी भी दे दी थी भावनगर में कई छटके आए थे ये मुझे अभी मार्ग में प्रिय सर्वदमन ने सूचना दी और वो आके थक गया जब उसने देखा कि कोई अंतर नहीं पड़ता भावनगर की भावनाओं में तो जब असली भूकंप आया तो वो यहां नहीं आया उसने कहा इनके लोग तो डरते नहीं है यहां छोड़ो भुज में चलते हैं वहां लोगों को डराते यह, यह कहां से आप लोगों में इतना संयम इतना धीरज और पुनर्निर्माण की ऐसी ऐसी क्या कहें संकल्प शक्ति है आप में हलबार पुकार के चिल्ला के कहता है गुजरात आ अकाल खाके देख मुझे फिर देख गुजरात कैसा लेलाता है आ भूकंप फिर आके देख भुज के वो स्कूल जो खंड खंड हो गए थे अब एसी हो गए विदेश में बैठे अमेरिकन ने उनको एडॉप्ट किया एक स्कूल में मैंने ये भी सुना पिछले दिनों आया पिछले वर्ष मांडवी में एक स्कूल ने कि हमारे स्कूल का दुर्भाग्य है कि यह नहीं गिरा वरना यह भी एसी हो गया होता क्या देखिए भावना क्या है लोगों की यही भावनगर नाम नहीं है शायद भावना से बना एक नगर भावनगर भावना तो वही भावना की हिलोरे मेरे कहीं चेतन अचेतन उपचेतन समचेतन के धरातल पर इस समय भी तरंगित हो रही है अजीब सी झनझनाहट जन पूरे व्यक्तित्व में आपके कैसा है ये बार बार ललकार के कहता है समय से ऋतु से अकाल आ आजा ताप्ती खाजा पूरा सूरज सूरत निगल जाके जा देखिए सूरत मुंह से निकलता है खूबसूरत क्या देख क्या नगर बना है दोबारा अभी 28 मई को सावरकर पर वही बोल रहा था आती है विश्वामित्री खा जाती है पूरा बड़ौदा मेरी बेटी वहीं पढ़ रही थी हॉस्टल की छत पे खड़ी रही तीन दिन तक नीचे पानी था जाके देखो ना बड़ौदा दूं से निकलता है वाह जी राव क्या नगर बनाया था उस समय की रोड प्लानिंग जल की प्लानिंग शहर के बाग, शहर के मार्ग शहर के म्यूजियम शहर की आर्ट गैलरीज उस समय का बड़ा था कॉलेज जो आज यूनिवर्सिटी है जहाँ आरुबिंदू आई थी और कहा मेरा बस चले तो मैं यहां से छोड़ के कहीं ना जाऊं ऐसा विद्यालय तो लंदन में नहीं है जहाँ ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज देख के आए थे वो ऐसा ललकारता लोगों को देता हुआ कैसे दोबारा उठ के आता है ये गुजरात सिखाता है किसी भी नगर को बिगाड़ के देखो हम तुम्हें तो बना के दिखाएंगे नहला दिया पूरा आ, अहमदाबाद कर्लावती को लहू से आज देखें कई ऐसे क्षेत्र है जहां लोग कहते हैं कि रहते हम अमेरिका में हैं हर वर्ष केवल पतंग उड़ाने के लिए या गरबा करने के लिए उत्तरायण में आते हैं मगर हम दावे से कहते हैं कि अमेरिका में कई ऐसे नगर नहीं है जैसा आज का करावती और अहमदाबाद है जो यहां से वहां तक धू धू करके शमशान हो गया था लहू में नहा रहा था कैसा नगर है आज ये 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 चमत्कार है ये भावना ये जोश ये हिम्मत ये चुनौती लेने की ललक जैसे खुद कहता हो एक तो ये है और इसी धैर्य की परीक्षा या इसी जोश की परीक्षा का एक छोटा सा रूप मैंने आज देखा निकला जब कमरे से और वर्षा हो रही थी तो मुझे लगा आज कितने श्रोता आएंगे विषय से अपरिचित हैं अनभिज्ञ हैं पहले कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है ऊपर से ये व्यवधान निरंतर वर्षा लेकिन यहां देख के लगता है कि कोई भी वर्षा के भीगने के डर से रुका हो मुझे चलते वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि हो तो रही है वर्षा लेकिन जो आज आएंगे वो बड़े प्रतिबद्ध कटिबद्ध साहस और संकल्प वाले कमिटेड शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने जिनको आना है आएंगे वो उसका प्रमाण भी मिल गया तो पहले तो आप लोगों के उस जोश का स्वागत भी बधाई भी अभिनंदन भी आज का विषय एक संग्राम शब्द का प्रयोग किया था राजू भाई ने स्वतंत्र समर ही था आजादी की लड़ाई आम भाषा में पिछली शताब्दी जो अभी गई है चौदह वर्ष पूर्व उसमें दो सबसे प्रमुख घटनाएं थी दो विश्व युद्ध ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों विश्व युद्ध आज बहुत प्रासंगिक हैं पहला विश्व युद्ध 1914 में 28 अगस्त को तीस अगस्त गई जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था यह वही तिथि थी, थी, थी जिस दिन मैं दिल्ली से निकला पूरे सौ वर्ष हो गए ये संयोग देखिए आप घटनाओं का जिस दिन मैं निकला उस दिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया की सर्बिया पर आक्रमण से फिर रशा ने बढ़कर ऑस्ट्रिया का साथ दिया फ्रांस ने बढ़कर और फिर कुछ ना कुछ देश आते रहे अंततः लगभग अस्सी पिचासी देश उससे जुड़ गए थे एक संयोग दूसरा युद्ध उन्नीस में हुआ ये जो चौदह वाला था सबको मालूम होगा ये अट्ठारह तक चला नवंबर 18, चार वर्ष का युद्ध चार करोड़ जाने गई एक भयावह विभीष का विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जर्मनी के आक्रमण से पोलैंड पर और वो तिथि थी एक सितंबर आज उन्नीस दोनों युद्ध शताब्दी की दो सर्व प्रमुख घटनाएं दोनों की प्रासंगिकता आज बनी हुई है एक को सौ वर्ष हुए शताब्दी एक को पिचत्तर वर्ष हुए पिछहत्तर वर्ष का भी बड़ा महत्व होता है किसी के जन्म के पिछहत्तर वर्ष एक स्वर्ण जयंती और एक रजत जयंती मिला के पिछहत्तर वर्ष बनते हैं ये दोनों भी अद्भुत संयोग हैं ये दो युद्ध फिर जो भारत ने युद्ध छिड़ा उस छठ पताती दास्ता की बेड़ियों से जकड़ी बिलखती कराहती सिसकती, भारत मां की चीखें कौन है तुम्हें जिसे अपनी माँ को सवा दो सौ वर्षों से बेड़ियों में अकड़ी जकड़ी को मुक्त कराने का मन नहीं करता आओ ना करो मेरे लिए प्रयास छोड़ाओ मुझे इन बेड़ियों से काटो मेरी ये बेड़ियाँ नहीं तो कटाओ अपनी गर्दनें और इस चीख इस पुकार इस ललकार पर खड़ा हुआ एक ऐसा वर्ग सत्रह अठारह साल से सोलह वर्ष के भी सत्रह वर्ष का भी करतार सिंह लाहौर में पहली बार फांसी पर जाने वाला लाहौर क्रांति का सोलह वर्ष पूरे नहीं कर पाया था इतने बड़े जिमींदार परिवार का कितने एकड़ में खेत थे क्या करेंगे इन खेतों का इतनी जमीन का इतनी धन संपत्ति का अगर मां याचना कर रही है मुक्ति की तो काहे कि इतने खेत अठारह वर्ष का होदीराम बोस कलकत्ते का चल पड़ा माँ तू कहती है ना कि विवाह कर अब उम्र हो गई है ला विवाह के कपड़े तो ले खरीदू जाके कलकत्ता से खरीदी पिस्तौल काम किया और फिर जो एक चल पड़ी श्रृंखला एक गौरवमयी परंपरा एक शपथ लेके घर से निकलने की जिस श्रृंखला में शुरू हुए फिर वही अमूनी में से मैं दो को आज चुनूंगा और फिर वो एक के बाद एक लोग समझ रहे थे कि ये श्रृंखला कहीं दो चार की फांसी के बाद फांसी तो बहत्तर हजार फांसियां तो केवल अट्ठारह के बाद पीपल के पेड़ पर टांग कर दी गई उसमें से सत्तर हजार के नाम गांव पिता जिस पेड़ पर टांगा गया इसकी सूचना आप कभी भी अहमदाबाद जाकर वहां के जो इतिहासकार हैं जो पत्रकार कॉलोनी में रहते हैं विष्णु भाई विष्णु भाई पांड्या उनके पास सत्तर हजार लोगों के नाम हैं केवल गुजरात के शोध नहीं है वो इतिहास के साथ जैसे उन्होंने एक प्रतिशोध समय का मैं देता हूं उन लोगों के नाम जिनका इतिहास के पन्नों की अंतिम पंक्ति के अंतिम अक्षरों में भी नहीं है एक मां का उल्लेख है जिसके सात बच्चे थे सातों को फांसी थी ये कनहरे, इनका नाम तो आपने सुना ही सुना था अनंत कनहरे का चाफेकर बंधुओं का तो सुना था तीन चाफेकर बंधु अठारह में पुणे में रैंड और आयर्स दो प्लेग कमिश्नर्स को मार के 16 वर्ष का 18 वर्ष का और 25 वर्ष का वासुदेव बलदेव और हरी हरी कृष्ण हरी चाफेकर तीन बंधु उसके बाद भी उनकी माँ रुक्मिणी जाके मंदिर में शिव के कहती है कि माँ अगर मेरी कोख में ऐसे होतात्माओं का जन्म लिखा था तो तूने तीन ही बालक क्यों दिए सात या दस क्यों नहीं दिए सभी भारत माँ के चरणों में पुष्पों की तरह न्योछावर हो जाते मुझसे बड़ी स, बिना संतान सुनी कोख के बाद भी मुझसे सौभाग्यशाली कोई माँ होगी वहाँ जिस दिन फांसी दी गई थी उसी रात को बैठकर वीर सावरकर ने नासिक के भगूर नगर में अपने घर की अष्टभुजा कुलदेवी के चरणों में बैठकर कर ये शपथ ली थी वो विश्व के इतिहास में सबसे कम आयु के बालक द्वारा ली गई मातृ मुक्ति की मातृभूमि की मुक्ति की पहली शपथ थी चौदह वर्ष के सावरकर नहीं थे शिवाजी ने भी रोहिणेश्वर मंदिर में बैठकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी जीजाबाई की प्रेरणा थी उनका प्रशिक्षण था उनका ममत्व था उनकी प्रेरणा थी मगर वो पौने पंद्रह वर्ष के थे चौदह वर्ष की आयु में विश्व में किसी बालक ने मातृभूमि को मुक्त कराने का ऐसा बीड़ा ऐसी शपथ ऐसा संकल्प नहीं लिया था और एक समय आया ऐसा निश्चित शपथ के शब्द थे हे कुलदेवी अष्टभुजा मैं तेरे चरणों में बैठकर शपथ लेता हूं कि जब तक इस मातृभूमि से इन यवनों को खदेड़ नहीं दूंगा तब तक जीवन में किसी प्रकार के सुख विलास का स्वप्न भी नहीं देख सकूंगा कल्पना भी नहीं करूंगा चाहे हम तीनों भाइयों की भी वही नियति क्यों ना हो जो इन तीन चाफेकर बंधुओं की हुई है और सचमुच वो दिन भी आ गया विश्व में पहली बार एक जीवन में दो आजीवन कारावास भोगने का दंडवाने वाला पहला व्यक्ति वीर सावरकर अब उनके गुरुओं पर आ रहा हूं जो आज के हमारे नायक हैं लेकिन आपको एक श्रृंखला दे रहा हूं ये इतिहास रचा कैसे किया पहली बार एक जीव अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट समबडी वाज़ अवार्डेड टू लाइफ इंटरटेनमेंट इन टू वन रनिंग इन टू फिफ्टी ईयर्स इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड नेवर बिफोर इन एनी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और फिर भी जब वो सुन रहा है कि तुमको एक मार्सेली से दस इंच के झरोके में से शरीर को निचोड़ कर सिकोड़ कर तोड़ कर मरोड़ कर हैराते समुद्र में छलांग लगाकर तैर के उस पार फ्रांस के तट पे जाना है तब तुम्हारी मां शायद मुक्त हो और वहां जाके तुमको यह संग्राम पुरा करना है बाबा रामदेव ने सौ से अधिक प्रयास किए हैं कहा 18 इंच से कम में मैं नहीं निकल पाता ये उस बालक का क्या अद्भुत क्या शरीर का चमत्कार था कौन सा यानी आसन रहा होगा शरीर का कैसे निकले होंगे उस समुद्र में जहाँ केवल शार्क और वेल्स इन्फेस्टेड विद दो डेडली फिशेस। एक आध बार बीच में ये भी उन्होंने अपने लिखा है कि सामने ही मुझे दिखी भी शार्क और मैंने आँख बंद की मैंने कहा चोरी करके नहीं भाग रहा माँ तेरी मुक्ति के लिए है अगर आती है तो आए और कहा मैंने जब मन में ये सोचा कि माँ मुझे मुक्त करो मुझे निकलने दो तो वो वेल ने कहा जा बालक अगर तू माँ की मुक्ति के लिए निकला है तो मेरे लिए तो बहुत भोजन है और मुझे छोड़ दिया चला गया इतना मार्मिक शब्द है वहां से जब वो निकले और एक करजन वायली जो ललमुआ गोरा इंग्लैंड में इंडिया हाउस में बैठा भारतीय विद्यार्थियों को तरह तरह की यातनाएं देता था उसकी हत्या मदन लाल से करवाई ये दोनों के बदले में जब सावरकर को दो आजीवन कारावास अंतमान की काल कोठरी सात गुणा सात की अंधेरी घुप सीलन घुटन खटमल मच्छर एक लोटा पानी एक काला टाट का कंबल शाम को पांच बजे पहला भोजन भोजन में पत्थर में सब्जी या सब्जी में पत्थर या दाल में कंकड़ या कंकड़ में दाल ये करने के बाद सुबह भोजन कब जब सुबह नौ बजे से शाम के पांच बजे तक कोलू में जुटकर बैल की तरह तीस पाउंड तेल निकालो अगर मात्रा बाईस है तो नंगी पीठ पर आठ कोड़े चौबीस है तो छे छब्बीस है तो चार कोड़े लहू छल चला उठता था पीठ से तस से मस नहीं हर कोड़े पर वंदे मातरम माँ तेरा धन्यवाद है ये तेरी पूजा का प्रसाद है है कोई विश्व में और कथा यहां समाप्त नहीं हो रही कि पांच बजे पत्थर और भोजन खा लिए अब जो अपने कमरे में जाएगा उस काल कोठरी में उस यम कक्ष में जिसका वर्णन मैंने किया वो व्यक्ति जो इस तरह के बवंडर जिसके अंदर फूट रहे हैं मां को मुक्त कराने के वो सो पाएगा क्या नहीं सो पाएगा तो करवटे लेगा मचलेगा तड़पेगा उठेगा पता नहीं अंदर से कौन सी किरण आएगी कहाँ से ज्वाला कोई प्रकाश आएगा दीवारों पर उठकर नाखून बढ़ाना शुरू करेगा दीवारों पर कीले इधर उधर से कोई मिल गई पत्थर अगर चुरा के छुपा लिया कोयले जैसी कोई चीज़ जो वहाँ अक्सर सागर के साथ बह के आ जाती हैं वो लेके आ गया उठ के रात के सन्नाटे में कहीं अंदर से उभरते हुए उद्गार, विचार मां के प्रति वो दीवारों पर अंकित करेगा उनको कंठस्थ करेगा उस ग्यारह वर्षों में जो सावरकर ने अंदमान की काल कोठरी में बिताए बारह हजार पंक्तियां दीवारों पर उकेरी लिखी रची महाकाव्य स्तर पर लिखा यह नहीं कि कथाएं और कहानियां और परी की कथाएं और ऐसी रोचक बच्चों की संपूर्ण बारह हजार पंक्तियां जो उस दीवारों पर लिख के कंठस्थ की उसके चार महाग्रंथ बनती हैं, चार महाकाव्य कमला जो अनुष्टुप छंद में है जो केवल कालिदास ने लिखा और कोई लिख ही नहीं पाया इतना दुरू इतना क्लिष्ट है उसका छंद उसका डिक्शन तो उसका ईडियम चारों वेद भी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं लिखे गए जितने सावरकर द्वारा रचित ये चार ग्रंथ अंदमान की कोठरियों में कोई नहीं जानता कि सावरकर साहित्यकार भी था चारों अलग विधाओं में एक उपन्यास एक आत्मकथा एक नाटक एक काव्य अंग्रेजी में लिखा होता तो दस नोबेल प्राइज मिल गए होते अब लौट रहा हूं उन महारथियों पर जिन्होंने इस बालक को लंदन में संवारा निखारा माझा, तराशा और वो बनाया जिसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई अभी सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म दिवस ये ऐसी अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा थी स्वामी दयानंद सरस्वती आपके ही गुजरात की एक अभूतपूर्व महानुभूति उस जैसा ऋषि उस जैसा विद्वान मगर उस जैसा क्रांतिकारी अट्ठारह का प्रथम स्वतंत्र समर दुर्भाग्य है कैसी विडंबना है कैसी कैसी भीषण विडंबना है कि वो पहला स्वतंत्र समर जो 10 मई को मेरठ में अठारह में चिंगारी की तरह फूटा और एक दावा नल एक बड़वा नल एक ज्वालामुखी बन के पूरे राष्ट्र को अपनी लपटों में समेट लिया उसको हमारे इतिहासकार म्यूटी कहते थे विद्रोह यह हमारा सावरकर था जिसने लंदन में जाकर गोरो की छाती पर मूंग दल के पहली बार ललकार के कहा कि मूर्खों यह प्रथम विश्व प्रथम समर था और विंस्टन चर्चिल जो उस समय वहां होम मिनिस्टर था बाद में प्राइम मिनिस्टर हुआ बीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा और स्टेट्समैन उसने अपने तकिए के नीचे सावरकर की स्वतंत्र समर जो आओ उसने ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से निकाली थी उसे वो गीता की तरह पढ़ता था हर रात पुस्तक है वो उसके पन्ने पन्ने से धुआं निकलता है पुस्तक हाथ में लो तो हाथ जल जाए उसकी मूल पांडुलिपि आज भी पूना के केसरी कार्यालय में रखी है वो मराठी में थी उसका नाम भी ज्वालामुखी ही था वहां वो दूसरा ध्वज रखा हुआ है जो 18 अगस्त को स्टूट जर्मनी के कारपोरेशन उस समय म्युनिसपल कारपोरेशन कमेटी उसके हॉल में भिकाजी कामा मैडम कामा और राणा जी ने फहराया था एक ध्वज यहां है एक ध्वज पुणे में है दो लोगों ने आपस में योजना बनाई और ऐसे चतुर लोग थे ऐसे दाव पे शतरंज के खेलने वाले रानी जी के जा, साथ जाके लंदन टाइम्स में एक समाचार दिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 18 अगस्त 1907 सौ को 107 सात वर्ष पूर्व वहां हम एक ध्वज लेके जा रहे हैं जिस ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड जासूसी भेड़िए जो विश्व में प्रसिद्ध हैं जिस माई के लाल में हिम्मत हो रोक के दिखाई खलबली मच गई सारे जासूसी विभाग में हर ट्रेन हर बस हर इधर उधर जाने वाली चीज की तलाशी हर व्यक्ति को उतार के कहाँ है दिखाओ वो ध्वज तुम लेके जा रहे हो यहाँ बैठ के सावरकर श्याम जी कृष्ण वर्मा मैडम कामा सरदार सिंह राणा वीरेन्द्रनाथ ये जो पूरी एक चंडाल चौकड़ी थी बारह चौदह पंद्रह बीस लोग इंडिया हाउस में रहने वाले उस पर आ रहा हूं मैं ये जो सब थे अपने आप में धधकते हुए अग्निपिंड एक, एक व्यक्ति एक एक संस्था था के नाम से पूरा लंदन थर रहता था इन पंद्रह लोगों ने पूरे यूरोप में अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था स्रोत इन सबको पालने वाला इनका गुरु इनको आशीर्व देने वाला दो लोग श्याम जी कृष्ण वर्मा सरदार सिंह जी रेवा भाई राणा वो आपको उस मार्ग पर ले चलता हूँ वहीं से लेके आऊँगा ये सावरकर को ये ये जो मैंने आपका वर्णन किया ये बनाया किसने ऐसा बनता तो कोई स्वयं नहीं निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ गुण कुछ प्रतिभाएं, अंतर निहित होती हैं उसके व्यक्तित्व में उसकी पूरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं ये आग ये लगन ये अगन ये जोश होता है मगर कोई तो उसको बाजता तो है सींचता तो है कोई उस पौधे को सींच कर जिन लोगों ने पाला और उस व्यक्ति का क्या कहना है उसका तो आज विषय नहीं है मेरा लेकिन फिर कभी मे मेरी चार छः आठ पुस्तकें मिलेंगी राना जी पर वीर सावरकर पर उसको किसी और अवसर पर छेड़ेंगे उस विषय को लेकिन स्वामी जी ने सबसे पहले मेरठ जाकर नौ तारीख को नौ मई अठारह को एक जेल जो वहाँ की कारागार है उसके आगे एक स्वामी का वेश बदल के मुंह ढक के एक गंगा सागर होता है पीतल का पानी पिलाने वाला प्याऊ पर उस पर बैठ के जो आ रहा था अभी पूरे मेरठ में अंग्रेज़ लोन गई हैं गर्मी है भीषण गर्मी वो तो मसूरी गए हुए हैं वहाँ के क्लब में रंगरेलियाँ कर रहे होंगे नाच गाने चल रहे होंगे पूरे मेरठ में सिर्फ़ पाँच गोरे सिपाही हैं जाओ जेल तोड़ो अंदर जो 200 से ऊपर बंदी हैं उनको मुक्त करो सीधे दिल्ली कूच करो बहादुर शाह जफर अपनी सेना के साथ तैयार बैठा है लाल किले पर ध्वज लहराओ भारत की मुक्ति का बिगुल बजाओ यह पहला चरण होगा भारत की आजादी का सचमुच लोगों में जोश आया जेल तोड़ी गई लोग वहाँ से चले दस तारीख को वहाँ से निकले ग्यारह तारीख को हिंडन नदी गाज़ियाबाद आए बारह तारीख को सुबह दिल्ली पहुँचे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने अपनी आर्मी उनके साथ की तेरह को दिल्ली में घोषणा हुई कि सब लोग अपने अपने शस्त्र अंग्रेज़ लोगों ने सरेंडर कर दिए पंद्रह मई अट्ठारह सौ सत्तावन को लाल किले पर हमारा ध्वज लहराया गया था ध्वज के नाम पर ध्वज आप कहां लहरा सकते थे यूनियन जैक ही लहराता था कांग्रेस के अधिवेशन में भी जहां शपथ ली क्या ऐसे ही थोड़ी महान है कांग्रेस कांग्रेस के हर अधिवेशन में समापन के बाद यूनियन जैक लहरा के और भारत को मुक्त कराने की शपथ ली जाती थी है ना चमत्कार आप ऐसे ही समझते हैं कांग्रेस का योगदान भारतीय सांस्कृतिक समर में हर बार लॉन्ग लिव द किंग गाया जाता था ये पहली बार 1907 में हुआ जब आरुबिंदु गरम दल के लोगों ने आरू बिंदु तिलक सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा किशन सिंह के छोटे भाई जिन्होंने उतार के चढ़ के यूनियन फ्लैग फेंका जिस साल गर्म नर्म दल का बंटवारा हुआ सूरत में वो फेंका और वंदे मातरम गाया गया क्योंकि तब तक आरबिंदु आ चुके थे वंदे मातरम पढ़ा रहे थे बड़ौदा में इतिहास को कभी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पढ़ के देखिए ना हमने क्या पढ़ा अकबर बहान था क्या पढ़ा इस सिकंदर महान था जो आ रहा है लूट रहा है फूट रहा है सिकंदर महान था तो फिर गजनवी क्यों नहीं था चग्गेज क्यों नहीं था हलाकू क्यों नहीं था कुबला खां क्यों नहीं था तैमूर क्यों नहीं था सबने आया और चाइनीज क्यों नहीं थे चीन का आक्रमण बासठ का सब महान थे जो आए लूटे कसोटे सोना चांदी महिलाओं की इज्जत भरे आसे और ले जाए कितनी बार लुटा है भारत म्यूटिनी अंग्रेजी में कहते थे गदर हमने खुद उस प्रश्न का उत्तर दिया है ये और बातें हमने अपना उत्तर दिया अठारह के गदर के कारण अगर वो गदर था तो जितने लोग जुड़े थे सब गद्दार थे गद्दार को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेटर देशद्रोही देश शत्रु लक्ष्मीबाई कौन थी गद्दार चमत्कार है ना कुर सिंह कौन थे बिहार के गद्दार नाना साहब कौन थे गद्दार मंगल पांडे कौन था गद्दार नाना साहब कौन थे गद्दार दे इतिहास हमको पढ़ाया गया हमारी कक्षा में हमारे गुरुजनों द्वारा ये इतिहास था या परिहास था या उपहास था या बकवास था हमें हमारा विरुद्ध हमारे इतिहासकारों को और हमारे क्रांतिकारी जिनके आज मैं नाम लेने जा रहा हूं और उनके काम बताने जा रहा हूं वो सब आज के राज्य में भी आज के भारत में भी वेस्ट बंगाल के इतिहास की पुस्तकों में क्रांतिकारी नहीं थे देशभक्त नहीं थे माँ को समर्पित नहीं थे वो सब आतंकी थे भगत सिंह कौन था ही वॉज अ टेररिस्ट। सावरकर कौन था वॉज अ टेररिस्ट। ये पिस्तौल और गोलियों की बात करते थे बात तो भाई चरखे से होती थी और कोई वेपन था ही नहीं राष्ट्र के पास जो या चरखा चलता था या लाल फूल खिलता था लंदन में एक फोन जाता था सुबह आज तुमने कौन से रंग का स्कर्ट पहन रखा है वहाँ से जवाब देती थी लेडी बाउल बेटन मैंने भी अपने आनंद भवन अलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में 25 रंग के गुलाब लगा रखे हैं आज भी हैं वो सब मैं आज अपनी शेरवानी पर भी उसी रंग का गुलाब लगाऊंगा ये महान लोगों की बातें हैं ये म्यूटिनी शब्द 218 सौ पृष्ठ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1920 के एडिशन में देखिएगा म्यूटिनी शब्द वहाँ प्रयोग हुआ है हमारे महान प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जिनके तोहफे कौन भूलेगा उनके दिया उनक, उनका दिया हुआ कश्मीर का तोहफा इतने नायाब अभूतपूर्व उन लोगों ने भेंटे दी हैं इस देश को तो उनकी चर्चा करके स्वाद में ही ख़राब करना मौका इतना फिर फिर कभी फर्स्ट अप्रैल के दिन उनकी चर्चा करेंगे उनके लिए उपयुक्त दिन होगा या शायद वैलेंटाइन डे नेहरू जैसे शहीद शहजादा सलीम के प्रेम प्रसंगों की अप, आ, कथाएं क्या कहना है अभी? ये उन लोगों की कृपा इस तरह से हमको इतिहास फिर इस इतिहास को ललकारने वाला जो व्यक्ति पहुंचा और इसका तो नाम ही अगर कोई ढंग से ले दे हिंदू हृदय सम्राट क्रांति सूर्य स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर लगता है जैसे हिमालय की कंदराओं में 20 25 30 ऋषि बैठे हुए हवन कुंड जलाए वेद की ऋचाओं के साथ उबलते हुए उस अग्निकुंड अग्नि में कहीं अपनी आहुति दे रहे हैं और जोर से वेद के मंत्रों की जो गूंज है उससे जो नाम निकलता है वो बनता है स्वतंत्र वीर सावरकर गायत्री मंत्र जैसी गूंज अब उसको तराशने वाले जो दो गुरु आए वे पांच पांच सितंबर पर आ रहा हूं इस गुरु शिष्य परंपरा का स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का भ्रमण किया इस आजादी की लड़ाई जो चल पड़ी थी उसको कहाँ कहाँ लेके गए रूप बदले वेश बदले नाम बदले अंततः 10 अप्रैल 10 अप्रैल आर्य समाज की स्थापना दिवस मुंबई पहुंचे काकड़वाड़ी आर्य समाज की स्थापना की जो पहला शिष्य उनका बना वो था वो मांडवी का महानायक आपके ही सौराष्ट्र का श्याम जी कृष्ण वर्मा भंसाली जो परिवार उस समय का वहाँ था बड़ा विद्वान परिवार भुज में आरम्भिक शिक्षा हुई बिल्सन कॉलेज बॉम्बे में गए फिर बम्बई में पहुँचे स्वामी दयानंद सरस्वती का पहला प्रवचन सुना तो कहा ऐसे लोग हैं श्याम जी ने अपना उद्बोधन संस्कृत में दिया स्वामी जी ने कहा ऐसा संस्कृत बोलने वाला अभी भारत में है वहीं छबीलदास कॉलेज दादर में जो है उनकी बेटी भानुमति से उनका विवाह हुआ पहली बार जाके श्याम जी ने कहा मैं तो आर्य समाज की जैसे पत्रिका निकाल रहा हूँ और उसकी सौ प्रतियां के लिए बंबई में जाती हैं स्वामी दयानंद ने कहा यह अठारह की बात है सात आठ वर्ष बाद स्वामी जी का देहांत हो गया उसको विष्व दे दिया गया था रसोई ने दिया था वो आपको था मान जब उन्होंने कहा श्याम जी के समरमा ने कि मैं इसी स्वातंत्र समर को समर्पित आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित एक पत्र निकाल रहा हूँ इससे आर्य स्वर आर्यों के आवास आर्य वाणी आर्य स्वर बाद में वो अब अजमेर से अभी भी निकाल रही है परोपकारिणी के नाम से परोपकारी सभा जो उन्होंने अजमेर में स्थापित की थी स्वामी जी का उत्तर देखिए श्याम जी तुम कार्य तो अद्भुत कर रहे हो लेकिन ये सौ प्रतियां बंबई में नहीं चाहिए सौ प्रतियां एक एक प्रति अगर सौ नगरों से निकले तब बात बनेगी तो बताओ कि सौ नगरों में, में मेरी एक एक प्रति पचास नगरों में एक एक प्रति जा रही है एक ही नगर में सौ प्रतियां संकेत स्पष्ट था बाहर निकलो देश के बाहर जो स्वप्न सुभाष का था जो प्रेरणा सावरकर ने उनको दी थी यहां तो मूर्तियां ही तोड़ते रहोगे जेल ही जाते रहोगे पकड़े जाते रहोगे मुक्त कहां से करोगे जाओ मेरा पत्र लेकर जाओ सिंगापुर खड़ी करो अपनी सेवा जाओ चीन जाओ जापान मिलो टोजो से लो सैनिक सहायता मिलो हिटलर से लो सैनिक सहायता शत्रु का शत्रु आपका सबसे अच्छा मित्र है एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर बेस्ट फ्रेंड इस रणनीति के अंतर्गत और वो सब कुछ बात लेकिन ललक जो उस समय सुभाष में बाद में आई विदेश में जाकर आई एन स्थापित करूं 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में रास बिहारी बोस के साथ वो ललक तब स्वामी जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के अंदर जगाई एकदम इंग्लैंड जाओ ला की पढ़ाई करने का बहाना लो सब लोग जाते थे कानून की पढ़ाई करने